रात को देर से सोने की वजह से काफ़ी लेट उठते हैं, तो जो ही उठते हैं जल्दी से भाग कर रिक्शे में बैठ जाते हैं, तो भैया दूसरे सवारियों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो हम भैया से बात कर कर थोड़ा जल्दी करवाते हैं। भैया दो सवारियों को उठा कर जल्दी हमें स्टेशन की ओर ले चलते हैं, तो जो ही पहुँच जाते हैं तो काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, तो हम जल्दी से भाग कर स्टेशन की ओर चल जाते हैं। मेट्रो में बैठते ही सीट मिलती नहीं है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे सीट मिल जाती है, लेकिन जो ही मैं सीट पर बैठ जाता हूँ तो स्टेशन भी पहुँच जाता है, मैं फिर वहाँ से मैं इंटरचेंज करने के लिए जल्दी से निकल जाता हूँ। क्लास के स्टेशन के पास पहुंच जाता हूं, तो और यहां पर वो पल फिर से आ जाता है जो मुझे सबसे बकवास लगता है। तपती गर्मी में मैं अपना मुंह छुपाते हुए क्लास की ओर दौड़ लेता हूं। क्लास में एंटर करने के बाद हमारे जल्दी करने की वजह से हम एक मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो हम खुश होते हैं। क्लास में पहले से ही हमारे क्लासमेट्स आ चुके होते हैं, तो उनके साथ थोड़ी बात करते हैं। तो आज हमारी स्केचिंग की क्लास है, तो क्लास में पुराने बच्चों के काम से मैं ज़्यादातर इंस्पायर हो जाता हूं, और इन सब के काम एक से बढ़कर एक हैं, और मेरा एक पसंदीदा स्केचिंग यहां पर है जो अमित बड़ाना का स्केच। क्लास ख़त्म होने के बाद हम रूम की तरफ निकल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं वापस। इतनी गर्मी क्यों है भैया को भी नहीं पता इतनी गर्मी क्यों है, और भैया जो है तो अभी हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं, तो हमें जाना है निरंकारी। निरंकारी ऑनलाइन है इधर देखो, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद कुछ खाने को होगा तो खा लेंगे, वरना पानी पी के सो जाएंगे। फिलहाल कुछ था नहीं खाने के लिए, तो हमने दूध ला लिया, तो अभी चाय बना लेंगे थोड़ा। फिर अभी फिलहाल तो मैं और साकिब उठे हुए हैं, बाकी बना के रखते हैं, जब जाग जाएंगे तो खा लेंगे। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद हमारे थोड़े काम पेंडिंग है, तो उन काम को कर लेते हैं, इसके बाद सारे जाग जाते हैं, तो खाना खाकर फिर थोड़ा सा एक पावर नैप लेने की कोशिश करता हूँ। पावर नैप के चक्कर में काफ़ी देर हो चुकी है, तो हम जो ही जागते हैं तो साकिब भाई जो है आज उसको जाना था, तो वो रेडी हो चुके होते हैं, तो हम जो है उनको थोड़ा बाहर तक ड्रॉप करके आते हैं। क्यों जा रहा है, मतलब मत जा यार मत जा यार मत जा यार भाई, यार ऐसे ना कर यार। मुलाकातें हो रही है, मुलाकातें। चल फिर हम भाई को थोड़ा छोड़ के आते हैं आगे तक, ध्यान रखना, रिक्शा तक उनको छोड़ के आते हैं। अरे सर भाई पता नहीं चला, एक हफ्ता रह गए थे यहाँ पे, पता नहीं चला ना। मज़ा आया एक हफ्ता हमारे साथ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चल फिर घर पे सबको सलाम कहना, मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह, बाय। बस 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 बाय, सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। कल क्या बोल रहा है, चल फिर बाय।
तो भाई जा चुके हैं, आज काफ़ी अच्छा टाइम था हमारे साथ, एक हफ्ता बैठे पता ही नहीं चला टाइम का, खासकर दिल्ली में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, पता नहीं क्यों वक्त का तकाजा नहीं होता यहाँ पे वक्त का कोई। तो हमने उनको अलविदा कह लिया है, अब चलते हैं रूम पे। तो क्लास आने के बाद थक हार गए थे तो नैप ले लिया था हल्का सा एक घंटे का, तो उसके बाद जा गए, फिर खाना खाया, फिर बाइक जा रहे थे तो उनको थोड़ा आगे तक छोड़ के आ गए। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय। दोस्त के जाने का गम नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई भाई, वो संभाल अपने आप को यार, संभाल यार भाई, संभाल अपने आप को भाई, ऐसा नहीं कर यार, संभाल अपने आप को।